दोस्तों, व्यंजन भारती की इस कड़ी में मैं स्वप्निल वर्मा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सेहत के लिए आंवले के गुणों से हम सभी परिचित हैं और इसके तरह तरह से इस्तेमाल किए जाते हैं। व्यंजन भारती के एक कड़ी में आप इसका मुरब्बा बनाना पहले ही सीख चुके हैं, तो आज हम आपको सिखाएंगे कि आंवले का अचार किस तरीके से डाला जाता है। तो चलिए बनाते हैं आंवले का अचार। आंवले का अचार बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो आंवला, लगभग 4 चम्मच मोटी सौंफ, 4 चम्मच मेथी, 4 चम्मच जीरा, 4 चम्मच राई, 4 चम्मच हल्दी पाउडर, 4 चम्मच पिसी मिर्च और 8 चम्मच नमक चाहिए। हल्दी, नमक और मिर्च छोड़ के हमें जीरा, मेथी, सौंफ और राई को भूनना है और फिर पीसना है। तो चलिए इन्हें पहले भून लेते हैं। सबसे पहले हम मेथी को भूनेंगे। ये मेथी लाल हो गई है, ये भुन गई है, तो अब इसको हम निकाल लेंगे। इसके बाद हम सौंफ भून लेंगे। ये सभी मसाले हमको अलग अलग भूनने हैं। सौंफ भी हमारी भुन गई है, इसको भी हम खाली कर लेते हैं प्लेट में। राई को भूनने की जरूरत नहीं है, इसे सिर्फ गर्म करना है, बस ये हल्का सा गर्म हो जाए और इसे भी खाली कर लेते हैं। आखिरी में हम जीरा भुनेंगे। सभी मसालों को अलग अलग भुनना इसलिए जरूरी है कि हर मसाले को भुनने में अलग अलग टाइम लगता है। ये देखिए, जीरा भी हमारा भुन गया है, इसे भी हम खाली कर लेंगे। इन चारों मसालों को ठंडा होने के बाद ग्राइंडर में पीस लेंगे। तब तक हम अपने आंवलों को उबालते हैं। ये आंवले हमने अच्छी तरह से धो के रखे और अब इसमें हम पानी डालेंगे जितने में अच्छे से डूब जाए। ये पूरी तरह से डूब गए हैं, करीब 4 गिलास पानी में। अब इसको हम उबलने देंगे। आंवले को 10 मिनट उबालेंगे। 10 मिनट बाद आंवले इतने सॉफ्ट हो जाएंगे कि इसकी गुठली आराम से निकल जाएगी। मिक्सर ग्राइंडर में ये भुने हुए सूखे मसाले को हम पीस लेंगे। ये मसाला हमने दरदरा पीसा है, एकदम बारीक नहीं पीसना है। अब इस पीसे हुए मसाले में हम नमक, मिर्च और हल्दी को अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दिया हमने और ये देखिए, ये अचार का मसाला हमारा तैयार हो गया है। आंवला जो हमने उबाला था वो उबल चुका है 10 मिनट और अब ठंडा भी हो गया है। अब हम इसकी गुठली अलग करेंगे। इसकी 2 फांक कर सकते हैं चाहे 4 कर सकते हैं। मैंने इसकी करीब 5-6 फांक करी है, ये आपकी मर्जी पे है। ये देखिए, मैंने इसकी 6 फांक कर ली है। आप चाहे तो 2 फांक भी कर सकते हैं। इस तरह से हम इसकी गुठली अलग कर देंगे। ये हमने आंवलों की गुठली अलग करके 6-6 फांक करके अलग करके रखी है और अब हम इसे कढ़ाई में तेल डाल के मसाले के साथ मिक्स करके अचार तैयार करेंगे। एक कढ़ाई में करीब 100 ml सरसों का तेल डालेंगे। सरसों तेल को गर्म होने देंगे ताकि इसकी इम्प्योरिटीज दूर हो जाए और उसके बाद फिर ठंडा होने के बाद इसमें हम आंवले और मसाले मिक्स करेंगे। अब ये सरसों का तेल हमारा ठंडा हो चुका है, अब इसमें हम अपने भुने हुए मसाले डालेंगे। और इसे तेल में अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। ये हमने आधा किलो आंवले के हिसाब से मसाला तैयार किया है और अगर आपको ज़्यादा आंवले का बनाना है तो मसाले और तेल का हिसाब उस हिसाब से होगा। अब इसमें हम अपने आंवले मिक्स कर देंगे। आंवले को अच्छी तरह से मसाले में लपेट देंगे। आंवले को अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद एक कंटेनर में आंवला रख देंगे और उसमें सरसों तेल डाल देंगे जितने में ये आंवला पूरी तरह से डूब जाए और 1 हफ्ते के लिए इसे धूप में रख देंगे। आंवले का अचार बहुत जल्दी तैयार हो जाता है, 1 हफ्ते बाद ही खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अचार हमारा तैयार हो गया है, अब इसको हम एक एयर टाइट जार में रखेंगे। अच्छा।
अचार के लिए हमेशा सूखी चम्मच इस्तेमाल करें। चम्मच में जरा सा भी मॉइस्चर नहीं होना चाहिए वरना अचार खराब हो जाता है। सरसों तेल को थोड़ा सा गर्म करके फिर ठंडा करके उसके बाद डाला जाता है। ये सरसों तेल हमने गर्म करने के बाद ठंडा करा है और अब इसे हम अचार में डालेंगे। इस अचार को करीब 10 दिन धूप में रखिए और उसके बाद ये खाने के लिए पूरी तरह तैयार हो जाएगा। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपने हमारा आज का व्यंजन देखा होगा और आप सभी को बहुत पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे व्यंजन पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल व्यंजन भारती को सब्सक्राइब करें और इसे शेयर करें। हमारी सभी रेसिपीज अब हमारी वेबसाइट www.व्यंजनभारती.com पर अवेलेबल है। तो अगली कड़ी में एक नए व्यंजन के साथ फिर से मुलाकात होगी। नमस्कार।